अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे और आपको आज जोश, जुनून और हिम्मत का सही महत्व इम्पोर्टेंस बताने के लिए आज हम लेकर आए हैं कारगिल युद्ध, जोश और जुनून की अमर कहानी। और इस वीडियो, इस कहानी को देखने के बाद ज़रूर आपके मन के अंदर भारतीय सेना के प्रति जो सम्मान है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी। परिस्थितियाँ हमारे विपरीत थी, वेदर हमारे विपरीत था, हम तैयार नहीं थे, हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, हमारे पास स्नो टेंट नहीं थे, हर तरह से परिस्थिति हमारे अगेंस्ट थी, बस केवल एक चीज़ थी हमारे पास, वो जुनून, वो जोश और उस कंट्री के लिए, उस तिरंगे के लिए कि कुछ भी हो जाए हम इस तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। और इन पहाड़ियों पे जो इंडिया का पार्ट थी, हम दुश्मन के नाकाम कदम को पीछे खदेड़ के वो तिरंगा वहाँ फहराएंगे ही फहराएंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत देनी पड़े। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया और साथ साथ बांग्लादेश का भी उदय हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों को पूरा करने के पीछे पड़ा हुआ था और 1999 में ठंडी के समय पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन मुजाहिदीन ने मिल करके भारत के LOC वाले क्षेत्र में घुसपैठ की और भारत को धोखा दिया और कारगिल के साथ साथ टाइगर हिल वाली जगह को भी अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत ने 3 मई 1999 में ऑपरेशन विजय चालू किया और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ भगाया और साथ साथ टाइगर हिल और कारगिल को वापस भारत में विलय कर लिया गया। यह लड़ाई 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल वाली जगह पर लड़ी गई थी और इस लड़ाई में 527 भारतीय वीर जवानों की शहादत हुई थी और 1300 से ज़्यादा वीर जवान घायल हुए थे और यह विजय हमको 26 जुलाई 1999 को मिली थी। इस विजय के बाद भारतीय जवानों ने सिद्ध कर दिया कि वो अपने जोश और ताकत के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। आगे हम एक वीडियो क्लिप की मदद से देखेंगे कि किस तरह से भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की थी। Uniform 143, all start listening over. What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. At the moment we are running for cover. We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything. There was another shell. Careful, careful. Now we really are going into the bunker. I just hope so, sir. कोई गिर गया तो nothing is going to be left here. Hello, listen, Shivnath, I'm calling from a bunker. I can't speak. Quickly take down the details. ये संडो आया सर. We launch multi-barrel rocket launcher attack in addition to the direct firing by Bofors guns. Yeah. Hello. It's the pattern of firing which the Baki were firing. You can't hear any small arms, and our RTA has also stopped. That means we're gone in, and whatever we're firing is going beyond the Tiger Hill. That means our troops are there on top. 300, 400 to nahi hoga. Nahi. Cheers. Cheers to Tiger and to the press. After 11 hours of near continuous fighting and heavy exchange of fire, Tiger Hills finally looks like it belongs to India once again. And with this recovery, the Indian troops hope to regain control of the Dras sector almost immediately. It truly is the dawn of a new day. With Ajmal Jami, Barkhad. पकड़े
Today, we're carrying out the burial of 7 Pakistani soldiers who have laid down their life in combat here as a mark of respect to the soldiers who have died. In one of the positions that was vacated by the enemy, our troops have recovered large quantity of ammunition, equipment, and 825. इस तरह से आपको जोश का महत्व पता चल गया होगा और हमें अपनी भारतीय सेना का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश और हमारे लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं और लड़ते हैं दुश्मनों से। और ऐसी पावरफुल वीडियोस को सबको शेयर करिए ताकि सबको ये पता चले कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है, कितना आगे बढ़ चुकी है। हमारी वीडियोज़ देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।